पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रोटरी क्लब मुरादाबाद और चीवर्स द्वारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफिशियल विजिट का आयोजन किया गया। क्लब अध्यक्ष सी अभिनव अग्रवाल ने बताया कि रोटरी अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट 3100 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोड दीपक जैन की ऑफिशियली विजिट कराई गई, जिसके अंतर्गत क्लब असेंबली कराई गई, जिसमें क्लब द्वारा पिछले 10 माह में की गई गतिविधियों का सारा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया एवं PPT के माध्यम से किए गए कार्यों को दर्शाया गया। पिछले 10 माह का न्यूज़लेटर को भी लॉन्च किया गया, जिसको देखकर सभा में उपस्थित गणमान्य व साथियों ने हर्ष ध्वनि से प्रशंसा की। उसके पश्चात भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत के लिए एम्पीरिया तिराहे पर 250 लीटर का शीतल जलशाला पियाऊ वाटर कूलर की स्थापना की गई, जिसको मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक जैन ने फीता काट कर जनसेवा में समर्पित किया। वाटर कूलर प्रारंभ होते ही जल पीने के लिए राहगीरों की कतार लग गई एवं सभी ने इस कार्य के लिए क्लब का धन्यवाद किया। तत्पश्चात दोपहर में क्लब की मीटिंग का आयोजन हिंदू मॉडर्न इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें 12वीं CBSE, ISC एवं UP बोर्ड के छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण करने के लिए ट्रॉफीज देकर सम्मानित किया गया एवं उनका उत्साह बढ़ाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबका मनोरंजन किया एवं नारी सशक्तिकरण पर एक नाटक प्रस्तुत कर सभी का मन मोहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक जैन एवं डिस्ट्रिक्ट सचिव सरदार गुरमुख सिंह ने क्लब के सारे कार्यों की सराहना की एवं कहा कि यह सबसे अच्छी ऑफिशियल विजिट में से एक रही। मुरादाबाद अचीवर्स के गवर्नर ऑफिशियल विजिट का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने उस विजिट को 3 मेजर प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स में करा है। पहला हमने इंपीरियल सिनेमा हॉल के किराए पे आज यहाँ पे 250 लीटर का वाटर कूलर प्लान कराया है, क्योंकि आप वहाँ जानते हैं कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बीच में वो चराया है, लेकिन वहाँ पे ठंडे पानी की कोई सुविधा नहीं थी, तो हमने वहाँ पे 250 लीटर का एक वाटर कूलर गवर्नर साहब के यहाँ पे इनॉग्रेट कराया है। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, उसमें हमने जो इस साल 12th में पास स्टूडेंट्स हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कराया है, और उसमें 2 कैटेगरी में हमने कराया है, 90% से कम वाले स्टूडेंट्स और 90% से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स को स्पेशल प्राइज से हमने अवार्ड करा है, अप्रिशिएट करा है। फिर यहाँ पे जो हमारे रोट्रैक्टर्स हैं, जो हमारे रोट्रैक्टर्स हैं हिंदू कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके उन्होंने यहाँ पे एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज दिया है एक्ट द्वारा, इस रेगुलरिटी का आयोजन किया गया है। तो इसी तरह से ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसके बाद मीटिंग के अंत में हम लोग यहाँ पे एक कैंसर पेशेंट हैं जिनके ब्रेस्ट में कैंसर था, और अब दोबारा से उनका ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से वो ऑपरेशन में बाधा आ रही थी, तो हमारे क्लब द्वारा उन्हें एक फाइनेंशियल मदद दी जा रही है। तो हम लोग अपने रोटरी क्लब के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि फेलोशिप के साथ साथ हम लोग सोशल प्रोजेक्ट्स में इक्वली पार्टिसिपेट करें और समाज में एक अच्छा संदेश दें। कि यहाँ पे हमारे पास लगभग 100 बच्चे थे और सभी स्कूल के CBSE, ICSE, UP बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, और सभी के टॉपर्स को भी हमने स्पेशल प्राइज से कराया, और हमने जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 12th में पास हुआ है उसको मोटिवेट करने के लिए, चाहे वो 50% से पास हुआ, 60 से हुआ, 70 से हुआ, हमने सभी को यहाँ पे ट्रॉफीज। प्रोग्राम पर रोटरी के 2 मेजर उद्देश्य हैं, एक फेलोशिप और एक सोशल प्राइज। तो फेलोशिप में हमारे जो रोटरी मेंबर्स हैं, फैमिलीज हैं, वो टाइम टू टाइम मिलती हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ साथ। साथ ही साथ हमारी एक सामाजिक ड्यूटी भी है कि हम एक समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश करें, एक सोच में बदलाव लाने की कोशिश करें। हम लोग सब बदलाव लाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने घरों में, अपने परिवारों में इतने उलझ जाते हैं कि वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो रोटरी क्लब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि हम ग्रुप एक्टिविटीज से सारे मेंबर्स को जोड़ के अपने मेंबर्स आपस में सहयोग करते हैं, क्लब फंड में डोनेट करते हैं, और फिर हम इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं।